श्री अमित शाह जी को मैं पत्र लिखा हूँ। केंद्र से राज्य सरकार को, हमारे विभाग को राशि मिलती थी पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत, और उसके तहत जो राशि मिलती थी उसमें हम लोग अपने यहाँ पुलिस बल को बढ़ाना, उनके आवश्यकता की पूर्ति करना, काफ़ी पहले क्राइम जिस नेचर का होता था, जितना वेपन्स का ज़रूरत थाने चौकी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, क्राइम भी अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं, तो उसके लिए नए नए आधुनिक मशीन खरीदना, वेपन्स खरीदना, पुलिस की संख्या बढ़ाना, थाना चौकी बढ़ाना, ये सब चीज़ इस योजना के तहत हम लोग करते हैं। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के 14 जिले वामपंथ प्रभावित हैं, नक्सल प्रभावित, जिसमें 8 जिला बहुत ज़्यादा प्रभावित है नक्सलियों से करके। इन क्षेत्रों में दूर संचार की व्यवस्था करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। अभी वर्ष 13-14 में लगभग हम लोगों को 56 करोड़ रुपया मिलता था इस पुलिस आधुनिकीकरण के लिए, लेकिन अब 19-20 में घटकर वो 20 करोड़ हो गया है। माने जनसंख्या और क्राइम बढ़ा है, राशि कम हो गई है। तो इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ में इस समस्या को देखते हुए, इस क्राइम को रोकने के लिए, वामपंथ से मुकाबला करने के लिए राशि बढ़ाई जाए और दिया जाए, पूरा सहयोग हमें किया जाए।